वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की। मंचस्थ राजस्थान सभा के सभी अधिकारीगण, मेरे सामने बैठे सभी विद्वान सन्यासी सब मुझसे श्रेष्ठ हैं, मुझसे बड़े हैं। मैं सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे एक ऐसा काम सौंपा गया था जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है, भाई राजीव गुलाटी जी का परिचय देने के लिए। वो मेरे लिए मुश्किल इसलिए है कि वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके पिता महाशय धर्मपाल जी ने आर्य जगत में जितना अपना व्यापार बढ़ाया, उतना अपना दान बढ़ाया। आज देश में कोई ऐसी जगह नहीं जहां उनका दान ना जाता हो। और उनके बाद अब जो ये उन्होंने संभाली है गद्दी, तो अब ये दान उससे भी बहुत अधिक बढ़ गया है। आज आप एक छोटी सी बात से इस ये समझ जाएंगे कि मैंने इन्हें जाके एक विनती की कि भाई साहब, मलारना में एक गुरुकुल है, उसमें जिस कमरों में बच्चे पढ़ते हैं उन वो कमरे बरसात में चूते हैं, आप उनका एक बार लेंटर दोबारा डलवा दो। तो मुझे नहीं पता चला, इन्होंने अपनी टीम भेजी, टीम ने आके रिपोर्ट दी कि जी जितेंद्र भाटिया जी ने ठीक कहा है। और इन्होंने वहाँ पे सब जमीन से काम करके इतना बड़ा गुरुकुल निर्माण कर दिया है, अभी भी लगातार उसमें निर्माण चल रहा है। उसके सामने 6 एकड़ जमीन खरीद के वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल बना के दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अब आर्य समाज और इनके बीच में एक डाकिया का काम करता हूँ, जिसको जो आवश्यकता हो मैं उसका पत्र पहुँचाता हूँ, और जो इनका आदेश होता है वो ये आगे करते हैं। हाँ, मेरा पूरा सम्मान करते हैं, मैं जहाँ जितने कहता हूँ कभी मना नहीं करते, लेकिन मैं डाकिया ही रहना चाहता हूँ। आचार्य जी एक बात बोल गए कि आर्य वीर दल को आगे बढ़ाओ। मैं सारी सभाओं से प्रार्थना करता हूँ, अपने अपने क्षेत्र में आर्य वीर दल को आगे बढ़ाओ, अपना गुलाम मत बनाओ, उनको स्वतंत्र करो, जिससे कि वो खूब काम कर सकें। आर्य समाज बचेगा वो तब बचेगा जब आर्य वीर दल बढ़ेगा। ये बात जब तक आप सब लोग नहीं समझ लोगे तो आप समझ लो अंधेरे में हो। और दूसरी बात जो है, आज मेरे ख्याल से महीने में कम से कम 10 संस्थाओं में भाई साहब की ओर से सहयोग जा रहा है, और उस सहयोग की कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना जा रहा है। ये नहीं है कि अमाउंट की लिमिट है, जिसने जितने मांगे, अगर जरूरत है तो ये पता करते हैं कि वाकई वहाँ जरूरत है। क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई ऐसी बात आए कि मेरे से कोई गलत निर्णय हो जाए। तो इनकी भी एक कमेटी है, वो कमेटी बताती है जी वहाँ इतनी जरूरत वाकई है, उतने पैसे 2 दिन में उन्हें ट्रांसफर हो जाते हैं। और एक इनका बड़प्पन आप ये देखिए, किसी भी कार्यक्रम के लिए कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे निमंत्रण देने आओ। ये बोलते हैं कोई निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं, मैंने समय दे दिया तो मैं आऊँगा, आप इतनी दूर दूर से चल के आओगे, आपका समय और पैसा खराब होगा, तो उसको खराब करने की जरूरत नहीं है। आपका निमंत्रण मेरे पे पहुंच गया, मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। और अब यहाँ बैठकर इन्होंने फिर मेरे से पूछा भाई यहाँ क्या देना चाहिए, मैंने कहा जी जो आपका मन करे। तो इन्होंने 11 लाख रुपए की घोषणा की है इस कार्यक्रम के लिए, और एक शब्द और बोला है कि अगर कार्यक्रम में पैसे कम पड़ेंगे तो भी भाई साहब बैठे हैं महाशय राजीव गुलाटी जी, ये इस समय उस भामा शाह के पुत्र हैं और उनकी गद्दी संभाल के बैठे हैं। तो जिस प्रकार महाशय जी करते थे, अब ये जितना उनका व्यापार आगे बढ़ा रहे हैं तो उसी हिसाब से दान भी उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो सम्मेलन के सभी अधिकारियों को मैं एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पे धन की कमी होगी, आप एक बार फिर डाकिया के पास आ जाना, डाकिया आपका संदेश आगे ले जाएगा। धन्यवाद।